हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो आज है शनिवार और आज मैं शनिवार का व्लॉग लेके आई हूँ। तो मौसम बार का काफ़ी ख़राब है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ आगे पीछे कैसा मौसम हो रखा है। तो ये ऐसे हो रखा है जैसे अभी बारिश होगी, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है। बारिश तो नहीं हुई लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आज मैं सोच रही हूँ चूल्हे की पुताई कर लूँ, तो मेरे पास ये फेस पैक वाली मुल्तानी मिट्टी रखी थी, तो मैंने सोचा आज इसी से फेस पैक करेंगे चूल्हे का। तो और थी नहीं मेरे पास मुल्तानी, फिर मैंने सोचा कि चलो इसी से कर लेते हैं। वैसे भी मैं इसको यूज़ तो करती नहीं, मेरे पास पड़े ही रहते हैं, फ्री गिफ्ट में ही आया हुआ था ऐसे ही सामान के साथ। तो जैसे ही मैंने खोला, इसमें से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी चंदन जैसी, तो मैंने सोचा तो ये तो रियल में ही लगाने लायक थी चेहरे पे। लेकिन ऐसा है कि सर्दियों में लगा लेते तो वैसे जूरिया जैसा हो जाता है, खुश्क हो जाती है, तो मैं नहीं यूज करती। फिर मैंने सोचा चलो चूल्हे पे ही कर लेते हैं। कुछ मिट्टी मैंने इसमें डाली मुल्तानी मिट्टी, और कुछ वापस उठा के रख दिया, कभी ज़रूरत होगी तो यूज़ कर लेंगे, नहीं तो और मंगवा लेंगे मुल्तानी मिट्टी जाएंगे तो। वैसे लुआरूज चले जाते हैं तो कुछ याद नहीं रहता सामान क्या मंगवाए, फिर आ जाते तब याद आता है कि भाई ये सामान मंगवाना था, वो मंगवाना था, पीछे से कुछ याद नहीं रहता। तो बस आज मेरा मन कर रहा था कि कढ़ी खाएं, और कढ़ी मम्मी के हाथ की बनी हुई हो। वो बिल्कुल सिंपल तरीके से कढ़ी बनाती है, लेकिन टेस्ट उसका इतना अच्छा आता है, जैसे पता नहीं क्या क्या डाल दिया हो। कुछ नहीं डालती लेकिन बनाती हैं तो खुशबू इतनी अच्छी आती है। तो मैंने कहा कि आप चूल्हे के पास तो बैठे हो, कढ़ी आप बना लो, अंदर का खाना मैं बना लेती हूँ। तो बोले ठीक है, वैसे भी मेरे से ठंड में कुछ काम होता नहीं है, तो बैठे बैठे कढ़ी कर लेते हैं। तो फिर मैंने इनको पूरा सामान तैयार करके दे दिया, बेसन वगैरह सब मिक्स करके दे दिया था, और जो मसाला था प्याज लहसुन था वो सब कुछ तैयार करके दे दिया। मैंने कहा अब आप बना दो इसको, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए आपकी हाथ की कढ़ी खाई हुई। और साथ में दूध का पतीला था, इसी में मैंने चावल रख दिए, क्योंकि कढ़ी बनती है तो बच्चे चावल खाते हैं। और साथ में डाल दी इसमें 3-4 लौंग और 2-3 कढ़ी पत्ते, इससे चावल नुकसान नहीं करेंगे खाने में। और बच्चों के लिए ही चावल बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, ठंड में चावल अच्छे नहीं लगते, लेकिन बच्चों के तो कोई लागू नहीं होता, ठंड और गर्मी उनको चावल चाहिए, कढ़ी बन गई है तो वो खाते ही हैं। तो मम्मी बाहर बना रही है कढ़ी, और मैं बाहर से उनको जो भी ज़रूरत होती है वो दे रही हूँ, जो भी वो मंगवा रही है उनको। तो वो राई, मेथी और जीरा, इनसे पहले तड़का लगाती है, इनको अच्छे से भूनती है, फिर लहसुन डालती है, लहसुन को भी अच्छे से भूनती है। तो वो बोलती है जब तक ये भूनेगी नहीं तब तक इनकी खुशबू नहीं आएगी। तो मैं शायद इतना टाइम नहीं देती जितना टाइम ये देती हैं भूनने को, तभी इनके हाथों में टेस्ट है सिंपल तरीके से ही। तो अभी वो बस ऐसे ही वेट कर रही हैं कि तेल गर्म हो जाए और जल्दी से तड़का लग जाए, क्योंकि वैसे भी बच्चों को स्कूल के लिए हो रखी थी लेट। तो बस यही था कि कढ़ी चावल बन जाएंगे तो उनके पैक कर देंगे, और पूर्वी को तो बस चावल चावल नहीं, उसको रोटियां भी चाहिए तो रोटियां भी लेके जाती है। तो मम्मी अभी जो प्याज है लहसुन है वो सब इसमें डाल दिया है, और ये जो मैंने मसाला इसमें डाल दिया था, लाल मिर्ची, हल्दी और धनिया और पिसा हुआ जीरा, ये सब चीज़ें इसमें डाल देते हैं तो खुशबू अच्छी आती है। तो ये मैंने सब इसमें डाल के रख दिया था ताकि इनको बार बार उठना ना पड़े। तो अभी मम्मी इसको भी बिल्कुल ब्राउन हो जाएगी ना तब तक भूनती है, मैं नहीं भूनती, इतना टाइम नहीं देती मैं शायद जितना मम्मी भूनती इनको, क्योंकि इन्होंने काफ़ी टाइम लगाया था जब ये बना रही थी, और मैं जल्दी से बस जल्दी जल्दी से बना के और छोड़ देती हूँ। तो यही राज है इनके बनाने का। तो अभी जो मसाला था इसमें, मैंने इसमें इन्होंने ये अदरक नहीं डालती इसमें, सिर्फ लहसुन लहसुन का पेस्ट डालती है, लहसुन में ही जो बेसिक मसाले होते हैं। हल्दी ज़्यादा डालती है क्योंकि हल्दी के बगैर इसमें कलर नहीं आता कढ़ी का। और अब ये जो बेसन घुली हुई लस्सी है
वो इसके अंदर डाल देंगे। तो ये लस्सी हमने कल की ली है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में लस्सी खट्टी नहीं होती, 2-3 दिन तक ऐसे ही रखी रहती है। तो हमने कल की कढ़ी के लिए कल की लस्सी ली है, उसी से बना रहे हैं। तो कढ़ी का कलर तो काफ़ी अच्छा आ गया, और वैसे भी बनी थी। तो आज इन्होंने भी पूछा मेरे से कि आज कढ़ी में क्या डाला था, काफ़ी अच्छी कढ़ी बनी हुई थी। तो ये चावल भी पक के तैयार हो गए हैं। तो मम्मी ने बोला कि इसमें जो पालक है, मेथी है और धनिया है, वो तोड़ के ले आओ और इसमें धो के डाल दो। तो मैं अभी वही अपनी क्यारियों से लेने आई थी, तो यहाँ से फ्रेश पालक, धनिया और मेथी, मेथी की खुशबू काफ़ी अच्छी आती है। तो मेथी का दाना भी डालते हैं तड़के में, और ऊपर से ये भी डालते हैं जब हो जाती है सर्दियों में। तो इन चीज़ों के बगैर कढ़ी अधूरी होती है। तो अभी इनको धो लेते हैं, क्योंकि पानी वगैरह लगा था तो मिट्टी वगैरह लग जाती है। और अब इसमें उबाल आ गया था, तो उबाल आने के बाद ही इसमें नमक डाला जाता है। पहले डाल देते तो कढ़ी फट जाती है, इसलिए बाद में ही डालते हैं नमक को। तो इसमें उबाल आ गया था, और ये चावल भी अपने तैयार हो गए हैं। इसका पानी अलग निकाल लेते हैं। जब हम इसका पानी अलग निकाल लेते हैं तो ये चावल भी इतना नुकसान नहीं करते। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ इनका पानी अलग निकाल के। वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन निकाल लेना चाहिए, बस मेरा मानना तो यही है। तो ये तैयार हो गई है हमारी थाली। तो मेरे को तो अचार के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अचार और चटनी, ये दो चीज़ होनी चाहिए, और चाहे हो चाहे ना हो। रियल में कढ़ी बहुत बहुत बढ़िया बनी हुई थी। तो खाना पीना हो गया है, अब मेरा काम है बर्तन साफ करना। और आज शनिवार है, तो मेरा मशीन का नंबर भी है, तो मशीन लगानी है मेरे को अभी। लेकिन आज हमारे कुएं का नंबर नहीं है, तो साइड में जो ताऊ जी हैं उनका है। तो ये जो मैंने चटनी कल बनाई थी, वे बीज रह गए थे, फूल गए थे, तो मैंने सोचा इनको कैरियो में डाल दे ताकि प्योद तैयार हो जाए। तो ये अपना ड्राम लेके आए हैं हम, इसमें भरेंगे हम ताज़ा पानी, क्योंकि ताज़ा पानी मेरे को मशीन में ताज़ा पानी अगर भर लूँगी तो फिर मेरे को दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी शनिवार को थोड़ी सी टेंशन हो जाती है, क्योंकि लाइट नहीं आती। लाइट आ भी जाती और कभी कभी तो पूरा दिन नहीं आती, पता नहीं शायद कोई फॉल्ट वगैरह ये ठीक करते हैं। तो अभी घर के आगे ही जो गेट है उसके आगे ही मैंने ड्राम रख लिया, और यहाँ पे भर लेंगे, और यहीं से ले जाके हम अपने कपड़े वगैरह सब धो लेंगे। तो मम्मी बोली कि ये पानी भर रहे हैं, सबसे पहले भैंस को पानी पिलाना पड़ेगा, क्योंकि ताज़ा पानी ये पी लेती है, ठंडा पानी नहीं पीती। ठंडा पानी वैसे ही रखा रहता है, ठंडा पानी अगर पिला भी देते हैं ना तो वो एक ही टाइम लेती है, या तो सुबह पियेंगी या शाम को, एक टाइम पीती है। तो ये परेशान बहुत करती, इसलिए मैंने मम्मी की थोड़ी सी हेल्प की थी। तो अब बस दोबारा झाड़ू निकाल लेते हैं, क्योंकि एक बार की झाड़ू तो रहती नहीं सर्दियों में, वैसे ही गीली मिट्टी हो जाती है, बार बार बाहर और भीतर आना जाना लगा रहता है, तो वापस बार बार हो ही जाता है। तो सोचा कि एक बार झाड़ू और निकाल लेते हैं, फिर शाम तक साफ रहेगा, क्योंकि बच्चे वगैरह भी सब स्कूल गए हुए हैं, कोई भी नहीं है। तो अब लगा रहे हैं हम अपनी मशीन, और मशीन बाहर निकालेंगे बाहर, क्योंकि अंदर कर देते हैं, वैसे भी ओस वगैरह होती है तो बाहर ख़राब हो जाता है, इसलिए अंदर रखते हैं मशीन सब। और आज बच्चे स्कूल गए हुए हैं तो उनकी भी ड्रेस हो जाएगी, अब संडे से फिर उनकी भी छुट्टी हो जाएगी बच्चों की, और फिर ये घर पे ही रहेंगे। पूर्वी की तो छुट्टी नहीं होगी, लेकिन दोनों बच्चे हैं छोटे वाले, उनकी छुट्टी हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि इनकी सब ड्रेस धो के रख देती हूँ, वैसे भी वो विदाउट ड्रेस जाएगी, अब बाद में धो के और प्रेस करके रख देंगे। और अब तो 15 तारीख के बाद जाएंगे, और अब बर्तन साफ करेंगे, क्योंकि काफ़ी बिखरे हुए थे, सुबह से शाम हो जाती है, अब मेरे को 2 बज गए हैं बर्तन साफ करने के लिए। तो ऐसे ही भाग दौड़ में पूरा दिन निकल जाता है, और सब बोलते हैं कि क्या करते हो घर पर रह के, घर का ही काम है ये है वो, बस यही सुनने को मिलता है, और हमें बैठने तक की फुर्सत नहीं मिलती। मेरे और मम्मी का पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, सुबह शाम भागते भागते, और कब शाम हो जाती पता ही नहीं चलता।
साथ में मेरे को मशीन संभालनी पड़ती है बर्तन साफ करते करते, और ऐसे ही सारे काम एक साथ उठाने पड़ते तब जाके और काम होता है। तो बच्चों को अभी आने का टाइम हो गया स्कूल से। सोच रही थी कि अब जो पहले कपड़े धुलने थे वो धुल चुके हैं, अब उनके आने के बाद ही दूसरा राउंड लगाऊंगी, क्योंकि पानी का चेंज करना पड़ता है एक बार में, फिर वो गंदा हो जाता है पानी, तो दो तीन बार ही धुल सकते हैं उसमें, फिर चेंज करना पड़ता है। यहाँ से साफ सफाई करते करते मेरे को 3 बज गए हैं, सुबह 5 बजे से लेके और 3 बजे तक कंटिन्यू लगे हुए हैं, मैं और मम्मी दोनों ही लगे हुए हैं। मम्मी को बाहर का हो जाता है, मेरे को घर का हो जाता है, बस ऐसे ही भागते भागते और पूरा दिन निकल जाता है। और मशीन तो जैसे ही लगा ली तो शायद लाइट वालों को भी पता लग जाता है, 2 से 3 घंटे बीच में लाइट चली गई और मेरे कपड़े रह गए, और मेरे को फिर रात हो गई थी धोते धोते। तो आज शनिवार है तो मैं ब्लैक कपड़े पहन रही हूँ, बस मन कर रखा था कि आज साड़ी पहन लूँ, तो आज मैंने साड़ी ही पहननी है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। मन तो करता है लेकिन यहाँ पे खुला बहुत ज़्यादा है, ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए थोड़े ऊनी कपड़े ज़्यादा पहन के रखने पड़ते हैं, क्योंकि लोहारू में हरियाणा का सबसे कम टेम्परेचर रहता है और सबसे ज़्यादा भी यहीं पर रहता है। तो आज पहन तो लिया लेकिन ठंड आज बहुत ज़्यादा थी, एक से काम ही नहीं चल रहा था। और मुझे ये ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है। तो अब हो गई है शाम और मैं अब शाम का खाना बना रही हूँ, मेरी मशीन अब भी कंटिन्यू चली हुई है क्योंकि फिर ये आ गए थे, मैंने सोचा चलो इनके भी कपड़े धो देते हैं, फिर मैं बुधवार को लगाऊंगी मशीन और कपड़े रह जाएंगे, फिर वही टेंशन रह जाती है कि भाई अभी ये कपड़े रह गए हैं, तो इनकी इनर वगैरह सब कुछ मैं संडे को धोती हूँ। तो फिर मैंने एक बार और पानी चेंज करके फिर इनके भी कपड़े धो दिए, ताकि 2-3 दिन मैं बिल्कुल टेंशन फ्री रहूँगी, भाई किसी का कोई कपड़ा नहीं अब धोने के लिए, कोई बर्डन नहीं है मेरे पे। तो अब कपड़े का लास्ट राउंड चल रहा है, मैंने सोचा तब तक मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ये भी बिखरे रहेंगे और जल्दी से फिर कपड़ों में बैठ जाएंगे, ठंड वैसे भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो गर्म पानी लिया है क्योंकि गर्म पानी के बगैर बर्तन अब साफ़ नहीं होते, इस पर जो क्योंकि चिकनाई वगैरह खाई जाती है तो इस पर घी वगैरह लगा रह जाता है बर्तनों पर, फिर मेरा मन नहीं करता, मेरे को दूसरे दिन वो दोबारा साफ़ करने पड़ते हैं। तो सोचा कि अभी से एक बाल्टी गर्म पानी लेके उसी से साफ कर लेते हैं। तो बर्तन वगैरह सब साफ हो गए हैं, बस अब मशीन का थोड़ा सा काम रह गया है, सबने खाना खा लिया है, सब अंदर बैठे हुए हैं, बस मेरा ही थोड़ा बाहर का काम रह रखा है। थोड़ा तो क्या, मेरे को 2 से 3 घंटे बाहर ही लग गए थे, तो पापा भी डांट लगा रहे थे कि ज्योति ठंड में बीमार हो जाएगी, अब अंदर बैठ जा, कपड़े कल धो लेना। मैंने कहा पापा मशीन एक बार लग जाती है ना तो फिर पूरा दिन निकल जाता, तो ये काम मैं फ्री कर दूं, कल कुछ और नया काम हो जाएगा, वैसे बच्चे घर पे रहेंगे। तो ये काम हो ही गया था मेरा मशीन का, तो सोचा कि मशीन को साफ़ करके और पूछ के अंदर रख देते हैं, क्योंकि इसमें ओस लगी हुई थी तो वैसे ही मशीन ऐसे हो रखी थी कि पूरी जैसे बारिश से गीली हो गई हो, तो ये कपड़े सुखाए तो नहीं जाएंगे, अभी ऐसे के ऐसे कुर्सी को अंदर रख देंगे और सुबह सुखाएंगे सुबह के टाइम। धूप निकल गई तो ठीक है, नहीं तो बस ऐसे ही कुछ बाहर भीतर करके सुखाने पड़ेंगे, पंखा चला के सुखाने पड़ेंगे। तो ये हो गया मेरा काम यहाँ से भी फ्री, अब मशीन को अंदर कर देते हैं। तो आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा आपको,
अगर मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि।